आज हम स्टार्ट करेंगे भाई नया टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या हम कवर करते हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करें। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर, अमीटर और वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्या होता है गैल्वेनोमीटर, सबसे पहले उसके लिए बात करते हैं। गैल्वेनोमीटर, इसको हिंदी में बोलते हैं हम धारा मापी। गैल्वेनोमीटर, ये जो गैल्वेनोमीटर होता है, एक तो ये धारा को मापता है, मीन्स करंट को मेजर करता है, और करंट किस डायरेक्शन में सर्किट में फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्शन को भी मेजर करता है। तो दो चीज होगी आपके, ये एक तो करंट को मेजर करता है और करंट के डायरेक्शन को मेजर करता है। सपोज करो ये आपने कोई गैल्वेनोमीटर लिया और इसको आपने किसी सर्किट में कनेक्ट किया। अब इसमें कोई करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर है, इसके ये गैल्वेनोमीटर, इसमें क्या होता है, इस तरह से ये डिवीजन होता है, इस तरह से क्या होता है, इसके अंदर डिवीजन होते हैं, भाग होते हैं, और ये एक इसके अंदर निडिल होती है। जब कोई करंट फ्लो नहीं होता है उस समय ये निडिल ऐसे बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में होती है। जैसे इसमें कोई करंट फ्लो किया तो इसमें क्या होता है, ये किसी एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। ये डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है और जितना ज्यादा करंट फ्लो होता है उतना ही ज्यादा इसमें डिफ्लेक्शन होता है, यानी कि विक्षेपण होता है, विक्षेपण होता है। तो यहां पर जो आई इज प्रोपोर्शनल थीटा, थीटा इज वॉट, डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये जो विक्षेपण हो रहा है, जितना ज्यादा कोण पे घूमेगी ये उसका उतना ही ज्यादा विक्षेपण होगा, ठीक। अब अगर मैं करंट का डायरेक्शन चेंज कर देता हूं, अगर करंट इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती, ऐसे फ्लो होती करंट आई, ऐसे जाएगी, तो इसमें विक्षेपण अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। मीन्स करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो विक्षेपण अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये यहां पर आपको क्या बता रहा है, एक तो करंट को मेजर कर रहा है भाई, जितनी ज्यादा करंट उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन, ठीक है। और अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो अगर नीडल इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है तो अगर करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, ठीक। चल तो ये तो बात हुई आपकी धारा मापी की। नेक्स्ट इज अमीटर। अमीटर, ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, गैल्वेनोमीटर को जी से, अमीटर को ऐसे। अब अमीटर भी क्या करता है, अमीटर भी करंट को भी मेजर करता है, ये भी धारा को मापता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो धारा प्रास होती है, यानी कि धारा मापने की जो क्षमता है, करंट मेजर करने की जो कैपेसिटी है, वो गैल्वेनोमीटर से ज्यादा होती है। तो जो अमीटर है वो भी करंट को ही मेजर करता है, ठीक, लेकिन इसकी जो रेंज होती है, करंट मेजर करने की जो रेंज है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक। अब देखिए इसको सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है, इसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं सीरीज में। तो इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, मींस अगर कोई भी सर्किट है उसमें आप इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ये करंट को मेजर करता है, उस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उसको मेजर करता है, ठीक। तो अमीटर जो है वो करंट को मेजर करता है। नेक्स्ट वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, अगर किसी भी वोल्ट मीटर को सर्किट, कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसके एंड्स के अक्रॉस, कोई भी दो एंड्स के अक्रॉस आप इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ये उन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। कैसे भाई, अगर मैं ये कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस है, अब इसमें कोई करंट फ्लो हो रही है आई, तो अगर आप इस पॉइंट और इस पॉइंट्स के अक्रॉस ये आपने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया तो इस ए पॉइंट और बी पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको ये मेजर करके देगा, उसकी वैल्यू को बताएगा कि इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस कितना इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है। तो भाई अमीटर करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और इसको जो कनेक्ट करते हैं वो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सर्किट के साथ, और इसको कनेक्ट करते हैं अमीटर को सीरीज के साथ। जैसे कि ये रेजिस्टेंस, ये अमीटर, आप इसको इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट करोगे और इसको इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करोगे, ठीक है। अमीटर
वोल्टमीटर का रूल समझ में आ गया आपको कि क्या रोल प्ले करते हैं। अब आता है कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में जो है कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है और उससे आपको एक अमीटर बनाना है, तो उसको गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में अब बात करते हैं। देखिए गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाने की कहां जरूरत पड़ी, पहले तो इसके बारे में बात करें। देखिए गैल्वेनोमीटर जो होता है उसकी जो करंट मेजर करने की जो रेंज होती है, मीन जिसको बोलेंगे हम धारा परास रेंज, वो कम होती है। तो अमीटर क्या करता है, उसकी धारा परास रेंज को बढ़ा देता है। तो कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर यानी कि धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण, कन्वर्जन मींस रूपांतरण कर रहे हैं आप। तो देखिए क्या होता है, ये आपने एक गैल्वेनोमीटर लिया, ये गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस है आरजी, तो आरजी इज अ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब इसके अंदर कोई करंट फ्लो हो रही है आईजी, इसको बोलेंगे हम आईजी, मींस इस गैल्वेनोमीटर को फुल डिफ्लेक्शन हो रहा है, मींस ये अपने मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसमें हो रहा है, उसके लिए जो करंट है वो आईजी है। तो आईजी जो होगी इसकी जो है आईजी बोलेंगे हम करंट फॉर फुल डिफ्लेक्शन, या इसको ही हम बोल सकते हैं आईजी को ही यही बोल सकते हैं हम करंट रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की धारा परास होगी। ठीक, ये हो गया आईजी। ठीक है, और आरजी क्या है, आरजी है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है आरजी। अब आपको इसको अमीटर में कन्वर्ट करना है, तो देखो अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये आपका गैल्वेनोमीटर हो गया, इसका रेजिस्टेंस आरजी हो गया। आप क्या करते हैं, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, ये एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, जो भी पैरेलल में कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, दिस इज शंट रेजिस्टेंस या शंट बोल दिया। अब देखिए भाई यहां से कोई करंट आपके आई आ रही है, अब ये बेसिकली ये गैल्वेनोमीटर और ये एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया है शंट रेजिस्टेंस, ये पूरा सिस्टम ही आपका क्या होगा, आपका अमीटर बन गया, ये अमीटर बन गया, ये अमीटर बन गया। तो दिस इज RG एंड RS इन पैरेलल जो है, ये अब आपका क्या हो गया, अमीटर हो गया, ये अमीटर बन गया। ठीक, अब यहां से क्या होगा, करंट I आएगी, तो यहां पर ये इसकी जो फुल डिफ्लेक्शन के लिए करंट जा रही है वो IG जा सकती है, तो इसकी जो मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर से फ्लो हो सकती है दैट इज IG, रिमेनिंग किस तरफ आएगी, I माइनस IG यहां आ जाएगी। तो I क्या होगी इसकी, I इज अ करंट रेंज, करंट रेंज ऑफ अमीटर, यानी कि जो अब अमीटर बनी है वो अमीटर की धारा परास है, अमीटर की धारा परास होगी, यानी कि मैक्सिमम करंट जो अमीटर में फ्लो हो रहा है इसके लिए, इसमें फुल डिफ्लेक्शन हो रहा है उसके लिए। तो ये आपका IG तो हो गया आपका इसमें करंट रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर, एंड I इज अ करंट रेंज ऑफ अमीटर हो गया। ठीक, अब देखिए भाई ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो ऊपर जो रेजिस्टेंस है आपका गैल्वेनोमीटर इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होता है, तो V इक्वल्स टू IR, I कितना है यहां पर IG और रेजिस्टेंस कितना है RG, ये किसके इक्वल होगा, इस शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इक्वल होगा। तो यहां पर क्या होगा, करंट कितना है I माइनस IG मल्टीप्लाई बाय RS, इसको रीअरेंज करते हैं
तो न्यू करंट रेंज मिल जाएगी आपको, न्यू करंट रेंज के लिए कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा वो आ जाएगा। तो अगर आरएस फाइंड आउट करना है तो आप आईजी मल्टीप्लाई बाय आरजी अपॉन आई माइनस आईजी, एक तो ये रिलेशन हो गया भाई। आपको दे दिया न्यू करंट रेंज दे दी, ठीक है, ओल्ड करंट रेंज मींस अमीटर जो बन गया उसकी करंट रेंज आपको दे दी, जो गैल्वेनोमीटर है ओल्ड, ठीक है, उसकी करंट रेंज दे दी, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर गिवन है, तो आपको कितना रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा वो आपको आ जाएगा। आप इसको रीअरेंज करें तो ये भी आ जाता है, देखो आईजी आरजी आई मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो, आई आर एस माइनस आईजी आर एस, ठीक। अब देखो भाई ये आईजी आईजी एक तरफ रखो तो इसको उठा के इस तरफ लाओ, तो आईजी तो ये उठा के इधर आया प्लस हो गया, तो ये हो गया आरजी प्लस आर एस आई आर एस। तो यहां पर जो न्यू करंट रेंज होगी आपकी आई वो कितना हो गया आपका आईजी आरजी प्लस आर एस अपॉन आर एस। तो मेन जो रिलेशन है वो ये है, इससे ही निकल के आए ये दोनों रिलेशन, ठीक। तो ये आपके है जब आप गैल्वेनोमीटर से अमीटर में कन्वर्जन करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। चलिए अब इस पे न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको कोई गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, उसकी करंट रेंज को एन टाइम्स इंक्रीज करना है, तो इसके लिए पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा कैलकुलेट करें। 2 इंक्रीज द करंट रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय एन टाइम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट। आप क्या कर रहे हैं, देखो ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर, अब इसकी करंट रेंज है आईजी और ये रेजिस्टेंस है आरजी। टू इंक्रीज द करंट रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय एन टाइम्स, अब मुझे इसकी जो करंट रेंज है वो एन टाइम्स इंक्रीज करनी है, तो यहां पर मैं एक पैरेलल में एक आर एस रेजिस्टेंस कनेक्ट करूंगा, तो अब मुझे ये आर एस की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो अब यहां से जो करंट फ्लो होगा आई वो इस आईजी का कितना टाइम्स होना चाहिए, एन टाइम्स होना चाहिए, तो वही पहले पैरेलल में ये दोनों, तो इस पे जितना पोटेंशियल उतना पोटेंशियल इस पे, इधर आईजी चला गया तो इधर आई माइनस आईजी इधर आ गया, तो ये आईजी मल्टीप्लाई बाई आरजी आई माइनस आईजी मल्टीप्लाई बाई आरएस, ये हो गया आईजी एज इट इज आरजी एज इट इज। आई की वैल्यू जो है वो एन टाइम्स ऑफ आईजी हो जाएगी, बिकॉज आप इसका क्या कर रहे हैं एन टाइम्स करंट वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि जो इनिशियल है उसका एन टाइम्स हो गया माइनस आईजी मल्टीप्लाई बाय आरएस। तो यहां पर रीअरेंज करेंगे तो देखिए आरएस की वैल्यू क्या होगी, तो आईजी आपको आरएस निकालना, तो आईजी आरएस एन, अच्छा आईजी आप कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हो, तो आईजी बाहर कॉमन निकाल लो पहला, आईजी आरएस आईजी एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय आरएस, आईजी कैंसिल हो गया। अब इसको रीअरेंज करें, यहां आरजी दिस इज आरजी, तो ये क्या होगा आईजी आरजी इक्वल्स टू एन आईजी माइनस आईजी, आईजी कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, इधर आरजी बचा इधर आरएस, तो आरएस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आरजी अपॉन एन माइनस वन हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो आपको इतना रेजिस्टेंस आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपको गैल्वेनोमीटर दिया हुआ, इसका रेजिस्टेंस आरजी, ये रेजिस्टेंस हो गया आपका आरएस। अब यहां से कोई करंट फ्लो रही है, उसका 1/5 करंट इधर जा रहा है तो 4/5 करंट इधर जाएगा,
तो यानी कि आप इसका कितना टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो, 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो भाई। आपका इधर पहले कितना था, आपका 1/5 जा रहा, अब कितना जाएगा, आई जाएगा, तो आप इसका 5 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो। तो 5 टाइम्स इंक्रीज करने के लिए 4/5 इधर जाएगा, 1/5 इधर आएगा। तो आप यहां पर इन दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो कितना होगा, तो आप सिंपली क्या करेंगे, पोटेंशियल आर जी मल्टीप्लाई बाई 1/5 पोटेंशियल इक्वल कर देंगे, और इसमें कितना हो गया, आर एस मल्टीप्लाई बाई 4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो आर जी अपॉन आर एस इक्वल टू 4 दिया जाए। तो ये तो बात हुई आपकी कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू अमीटर। अब बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर। नेक्स्ट केस, सेकेंड केसेस, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर। धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, कन्वर्जन करेंगे, रूपांतरण करेंगे। तो देखिए भाई कैसे होता है धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, कैसे होता है कन्वर्जन। ये आपका गैल्वेनोमीटर, ये इसका रेजिस्टेंस आर जी। अब इसमें अधिकतम धारा के लिए जो विक्षेपण होगा, अधिकतम विक्षेपण के लिए जो धारा होगी वो होगी आई जी होगी। तो इसके इन दोनों एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो वी ओल्ड के नाम से लिख देता हूं, वी ओल्ड इक्वल्स टू आई जी आर जी। वी इक्वल्स टू क्या होगा, आई आर होगा, ठीक। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर, धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण में आप क्या कर रहे हैं, ये आपने वी ओल्ड इक्वल टू आई जी आर जी, ये तो हो गया। अब आप इसको क्या करेंगे, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वी ओल्ड तो हो गया आई जी मल्टीप्लाई बाई आर जी। यहां पर ये वी ओल्ड जो होगा यानी कि वोल्टेज रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर, धारा मापी की वोल्टापरास, ठीक है, आर जी जो है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, ये तो वोल्टेज रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर आ गया। अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे वोल्टमीटर में, तो ये हो गया गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस आर जी। आप इसके श्रेणी क्रम में, सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं आर, तो ये आपका अब क्या बन गया, ये जो है ये वोल्ट मीटर बन गया। ये वोल्ट मीटर देखो, ये करंट आपकी जो है वो आईजी रहेगी, क्योंकि इसमें अधिकतम धारा जो है वो आईजी ही फ्लो हो सकती है, आईजी से ज्यादा नहीं हो सकती, तो जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें जाएगी। अब इस सिरे और इस सिरे के मध्य जो V न्यू होगा वो कितना होगा, तो V इक्वल टू आई आर, आई जी और R, ये दोनों समान श्रेणी क्रम में, तो आर जी प्लस आर, ये हो गया V न्यू। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 होगी। चलिए अब देखिए भाई, V न्यू इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें तो आई जी मल्टीप्लाई बाई आर जी प्लस आई जी मल्टीप्लाई बाई आर। अब देखो आई जी आर जी क्या है, आपका वी ओल्ड है यानी कि गैल्वेनोमीटर के सिरों पर विभवांतर, तो वी न्यू वी ओल्ड प्लस आई जी मल्टीप्लाई बाई आर। रीअरेंज करें इसको, तो ये वी न्यू माइनस वी ओल्ड इक्वल्स टू आई जी मल्टीप्लाई बाई आर, ठीक है। अब आर की वैल्यू पूछी जाए तो आर इक्वल्स टू वी न्यू माइनस वी ओल्ड अपॉन आई जी, ये इस तरह से निकाल कि भाई इसको, इसकी रेंज जो है एन टाइम्स इंक्रीज करनी है, तो कितना रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करेंगे आर की वैल्यू, तो ये निकल जाए, ठीक। बात समझ में आ गई,
तो ये कॉन्सेप्ट है आपका। अब देखो इस पर बेस्ट न्यूमेरिका है। अब क्वेश्चन इस तरह से है कि आपको एक गैल्वेनोमीटर धारा मापी दिया हुआ है, उसकी वोल्टा परास एन गुना बढ़ानी है। वोल्टा परास एन गुना बढ़ाने के लिए उसके जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे सीरीज में वो कितना करेंगे, वो फाइंड आउट करना है। तो एग्जांपल है 2 increase the voltage range by n times, to increase the voltage range by n times of galvanometer, find the value of resistance which is connected in series with galvanometer। गैल्वेनोमीटर के साथ आप जो श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद उसकी वोल्टा परास एन गुना बढ़ जाती है, तो आपको ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी ये ज्ञात करनी है। तो भाई सॉल्यूशन देखें, ये आपके गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस आर जी और इसकी धारा परास है आई जी। जब धारा परास इसके अधिकतम यानी कि अधिकतम धारा के लिए इसमें अधिकतम विक्षेपण हो रहा है, ठीक है, तो इसकी जो V ओल्ड होगा ये होगा आई जी आर जी इक्वेशन 1। ये क्या कहलाएगा, V ओल्ड वोल्टेज रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर, वोल्टेज रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर। चलिए अब आप इसके साथ ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस आर जी, ये इसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया आर, ये आर कनेक्ट कर दिया। अब आप इसमें करंट तो वही फ्लो होगी आई जी, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट तो आपका इंक्रीज हो नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम करंट इसमें आई जी जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं जा सकती, तो जो इसमें जाएगी वो इसमें जाएगी। तो आप क्या करते हैं, इसके और इस पॉइंट के अक्रॉस जो अब न्यू वोल्टेज रेंज होगी वो एन टाइम्स होगी, तो वी न्यू जो है वो कितनी होगी, आई जी मल्टीप्लाई बाई आर जी प्लस आर इक्वेशन 2। ठीक, अब वी न्यू की जो वैल्यू है वो इनिशियल की कितनी है, एन टाइम्स होगी, तो वी न्यू की जगह लिखेंगे एन टाइम्स ऑफ वी ओल्ड। इसको सिंप्लीफाई करें तो आई जी आर जी प्लस आई जी आर, ठीक, एन टाइम्स वी ओल्ड। आई जी आर जी की जगह क्या लिख सकता हूं, वी ओल्ड लिख सकता हूं, ये वी ओल्ड लिख दिया, वी ओल्ड प्लस। अब देखो आई जी की वैल्यू यहां से रखूं आई जी की, तो वी ओल्ड अपॉन आर जी, तो ये वी ओल्ड अपॉन आर जी मल्टीप्लाई बाय आर, ये V old कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, तो ये N, ये 1 बचा यहाँ पे, ये उठ के इधर आ गया N माइनस 1, और यहाँ क्या बचा R अपॉन आर जी, तो आपने को तो R निकालना, तो R की वैल्यू कितनी होगी, आर जी मल्टीप्लाई बाई N माइनस 1। इस तरह से ये क्या होगा आपका, यहाँ पर वोल्टेज रेंज आपकी N टाइम्स इंक्रीज हो रही है। बात समझ में आ गई, तो ये आपके हैं जो है अमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर। अब देखो इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। सबसे पहले अमीटर की बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए भाई
ये रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम और ये भी 10 ओम। 10-10 ओम के ये हमने 5 रेजिस्टेंस लिए और ये बैटरी ले ली अपने, ये 10 वोल्ट की ले ली, ठीक है, सब 10 ओम, 5 रेजिस्टेंस। आपको फाइंड आउट करना है ये अमीटर आपने यहां पर कनेक्ट किया तो इस अमीटर से कितना करंट फ्लो होगा ये निकालना है आपको। तो देखिए भाई, यहां से कोई करंट जाती है आपकी आई, वो इस पॉइंट पे आके डिवाइड होगी, फिर इधर जाएगी, फिर यहां पे डिवाइड होगी, ये यहां जाएगी, फिर यहां से डिवाइड होगी, ये यहां जाएगी, फिर ये डिवाइड होगी, यहां आएगी। तो देखिए भाई, ये दोनों आपके इधर करंट आ रही, ये करंट आ रही, तो ये दोनों किसमें हो गया, समांतर क्रम। फिर इन दोनों का रिजल्ट इसके साथ भी क्या हो गया, समांतर क्रम। फिर इनका रिजल्ट इसके साथ भी क्या हो गया, समांतर क्रम। फिर ये इसका इसके साथ भी क्या हो गया, समांतर क्रम। तो आप देख रहे हैं ये 10 10 10 10 10, ये पांचों रेजिस्टेंस किसमें कनेक्टेड है, आपके समांतर क्रम में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले आपको यहां से जो कोई धारा प्रवाहित होगी उसके लिए आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो आर इक्विवेलेंट होता है आपका, इसको अगर मैं ऐसे करता हूं प्रोसीजर से, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू जो होगा 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10। एलसीएम लेते हैं अपन, 10 आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया 5 अपॉन 10। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट हो गया, तो ये हो गया आपका 1/2। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये 2 हो गया, आ गया आर इक्विवेलेंट 2। यहां पर तुल्य प्रतिरोध इस पूरे का 2 है, तो यहां से जो धारा जाएगी I, वो कितनी होगी, V अपॉन आर इक्विवेलेंट होगा। V कितना आरोपित है, 10, और आर इक्विवेलेंट कितना है, 2, यानी कि 5 एम्पियर धारा जाएगी। 5 एम्पियर धारा इन सब में, सबका प्रतिरोध समान है तो सब में बराबर बराबर बटेगी। तो 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर और 1 एम्पियर इसमें जाएगी। तो भाई ये वाली धारा तो इधर से आई, इधर से गुजर गई, ये वाली धारा इधर से आई और इधर से गुजर गई, तो ये वाली धारा और इस वाली धारा ये तो अमीटर से गुजरेगी नहीं, और ये वाली धारा इधर से आएगी, ये वाली धारा इधर से आएगी, ये वाली धारा इधर से आएगी, तो ये 1 एम्पियर इधर से आई, 1 एम्पियर 1 एम्पियर, तो इधर से कुल धारा जो इसमें प्रवेश करेगी वो कितनी है, 3 एम्पियर। तो यहां पर अमीटर से गुजरने वाली जो धारा होती है वो अमीटर का पाठ्यांक रिप्रेजेंट करती है, वो अमीटर का पाठ्यांक प्रदर्शित करती है। तो यहां पर जो अमीटर का पाठ्यांक होगा, अमीटर की जो रीडिंग होगी पाठ्यांक, वो कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर हो गया। तो भाई अमीटर वही मापता है जो उसके अंदर से धारा प्रवाहित होती है, तो अमीटर से गुजरने वाली धारा ही आपके अमीटर की रीडिंग होती है। तो ये इस तरह से तो अमीटर का निकालते हैं। वोल्ट मीटर का क्या करते हैं, देखो ये वोल्ट मीटर, ये 40 ओम, ये 80 ओम और ये 80 ओम। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, अमीटर जो है वो हम दो तरह के कंसीडर करते हैं, एक तो होता है आपके आदर्श अमीटर और एक होता है वास्तविक अमीटर। जो आदर्श अमीटर होगा, आदर्श अमीटर, अमीटर की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आदर्श मींस आइडियल, आइडियल अमीटर, आदर्श जो अमीटर होता है, ठीक है, उसका प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस, वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। और जो वास्तविक होता है, रियल, रियल अमीटर, वास्तविक अमीटर, उसका प्रतिरोध 0 नहीं होता। दूसरी बात, वोल्ट मीटर, जो आइडियल यानी कि आदर्श वोल्ट मीटर होगा, आदर्श वोल्ट मीटर, उसका प्रतिरोध जो होता है वो होता है अनंत। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। इसका मतलब क्या होता है, जिसका भी प्रतिरोध अनंत होता है वो परिपथ से कोई धारा नहीं लेता है। तो आइडियल वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हो गया अनंत, और रियल वोल्ट मीटर है, इसका जो प्रतिरोध होता है वो होती है कोई भी फाइनाइट वैल्यू, कोई भी निश्चित मान, ठीक है। जैसे कि यहां पर ये हमने जो लिया है, ये रियल वोल्ट मीटर लिया और इसका प्रतिरोध है 80 ओम, ठीक है। अब आपने ये यहां पर
ये 160 वोल्ट की बैटरी से आपने इसको कनेक्ट कर दिया। अब 160 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो आपसे पूछा जाएगा कि वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी, तो आपको फाइंड आउट करनी है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। फाइंड आउट सबसे पहले आप देखें यहां से कोई करंट जाएगी, वो इसमें जाएगी आई, यहां पर आके वो दोनों में डिवाइड हो जाएगी। अब देख रहे हैं यहां पर रेजिस्टेंस इक्वल है, ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है 80 ओम, और दोनों पैरेलल में तो दोनों पर पोटेंशियल भी सेम होगा। जब दोनों पर पोटेंशियल सेम होगा, जब दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी सेम होगी, तो यहां पर कितनी जाएगी, आधी इसकी जाएगी आधी इधर से जाएगी, ये हो गया। सबसे पहले आप आई निकालेंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर ये और ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो 80 और 80 का पैरेलल में कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। समांतर क्रम में रिजल्ट कितना हो गया 80 मल्टीप्लाई बाय 80 अपॉन 80 प्लस प्लस 80, तो ये हो गया 40, 40 और 40 किस में 40 सीरीज में क्या रिजल्ट होगा आपका 80, तो आर इक्विवेलेंट जो होगा आपका आर इक्विवेलेंट वो हो जाएगा 80 ओम। अब यहां से जो करंट जाएगा आई कॉस टू वो होता है वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, वी कितना है आपका 160 और आर इक्विवेलेंट कितना कैलकुलेट होके आया 80, तो ये इससे 2 टाइम्स आ गया, यानी कि जो करंट जाएगा वो 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा, तो यहाँ से 2 एम्पियर करंट आएगा, इस पर भी 2 एम्पियर जाएगा। अब यहाँ आके यहाँ भी 1 एम्पियर, यहाँ पर भी 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इसमें जाएगा, 1 एम्पियर इसमें जाएगा, बात समझ में आई। तो दोनों में 1 एम्पियर जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है पैरेलल में, तो रेजिस्टेंस जो है सेम होने की वजह से करंट भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए भाई इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही वोल्ट मीटर रीडिंग होगी, तो ये रीडिंग जो होगी वोल्ट मीटर की रीडिंग ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि क्या होता है आई आर होता है। अब इधर आप या तो आई आर इधर से निकालो या इधर से निकालो, एक ही बात है, तो यहां पर आई आर इधर से निकालते हैं या आई आर इधर से लेता हूं, तो करंट कितना हो गया 1 एम्पियर और आर कितना है 80, तो ये कितना मेजर कर रहा है 80 वोल्ट मेजर कर रहा है, ये 80 वोल्ट इस पे आएगा, ठीक है। तो 80 वोल्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 80, 80 वोल्ट इस पे आएगा और बाकी का इस पे कितना आएगा 80 वोल्ट इस पे ड्रॉप होगा, ठीक। तो जो वोल्ट मीटर है, ठीक है, वो आपके पैरेलल में कनेक्ट होता है और वो सर्किट से करंट ड्रॉ करता है, ये जैसे ड्रॉ कर रहा है करंट, ठीक। अब मैं बात करता हूं, ये तो बात हुई रियल वोल्ट मीटर की, अब लेते हैं हम आइडियल वोल्ट मीटर। ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये 40 ओम, ये 80 ओम, ठीक, वही ले रहा हूं। ये आपने वोल्ट मीटर लिया और ये है आपका आइडियल वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस कितना होता है इंफिनिटी होता है। ये आपने वही बैटरी कनेक्ट की प्लस माइनस 160 वोल्ट की, ठीक। अब देखो भाई सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालें, तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट निकालें, तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना होगा, ये दोनों किसमें कनेक्टेड है पैरेलल में, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन 80 प्लस 1 अपॉन इसका कितना इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। तो यहां पर इस पूरे सिस्टम का आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 80 हो गया। अब ये 80 और ये 40 ये किसमें सीरीज में, तो ये आर इक्विवेलेंट डैश ले लें, तो ये 40 प्लस 80 आर इक्विवेलेंट जो हो गया वो 40 प्लस 80 120 ओम हो गया। तो पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 120 ओम है। अब करंट यहां से फ्लो होता है आपका आई, तो ये आई इक्वल्स टू क्या होगा वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, वी की वैल्यू कितनी है आपकी 160 और ये हो गया 120 आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो आप देख रहे हैं 4/3 एम्पियर करंट यहां से जा रही, 4/3 एम्पियर। तो अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा भाई, यहां से करंट जाएगी 4/3 एम्पियर। अब इधर तो जाएगी नहीं करंट, कि भाई जो होता है आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने की वजह से उसमें से कोई करंट फ्लो होगी नहीं, मीन्स वो सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा, तो ये सारी करंट इधर जाएगी 4/3 एम्पियर। तो 4/3 एम्पियर इधर गई है, तो इस पे पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा वही इसकी रीडिंग हो जाएगी। तो वो रीडिंग कितनी होगी आपके आई मल्टीप्लाई बाय आर, आई तो हो गया 4/3 और मल्टीप्लाई बाय आर हो गया 80, तो ये हो गया 320 अपॉन 3 वोल्ट।
जो कि आपके 105-107 के आसपास आ रहा है, और यहां पर कितना आ रहा था आपका, ये तो 105-107 के आसपास आ रहा है, और यहां कितना आ रहा था, ये हमने रियल वोल्ट मीटर लिया था तब इसकी जो रीडिंग आ रही थी वो 80 वोल्ट आ रही थी। तो आप देखते हैं जब भी कोई आइडियल वोल्ट मीटर लेते हैं, जैसे कि यहां पर लिया आइडियल वोल्ट मीटर, तो वो सर्किट से कोई करंट ड्रो नहीं करता, तो वो जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो वो उसकी एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करके देता है। जबकि जो रियल वोल्ट मीटर होता है, वो रियल वोल्ट मीटर सर्किट से करंट ड्रो करता है, तो किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो वो उसकी वैल्यू को एक्चुअल से कम मेजर करके देता है। आई बात समझ में? तो ये आइडियल वोल्ट मीटर और रियल वोल्ट मीटर का कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक, अब बात करते हैं हम वीट स्टॉर्म ब्रिज। नाउ नेक्स्ट इज वीट स्टॉर्म ब्रिज। वीट स्टोन ब्रिज, वीट स्टोन ब्रिज। देखिए, वीट स्टोन ब्रिज जो है वो आपके एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के कॉन्सेप्ट को यहां पर हम एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या होता है, आपका मीटर ब्रिज होता है। ठीक है, और मीटर ब्रिज जो है वो वीट स्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। हम इसी केस को स्टडी करते हैं। एक और होता है इम्बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, लेकिन हम यहां पर उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो जनरली न्यूमेरिकल्स मिलता है वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे मिलता है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को समझते हैं क्या होता है। देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये कोई गैलोमीटर ले लो, ये R1, ये R2, ये R3 और ये R4, चार रेजिस्टेंस है और ये गैलोमीटर है। ये A पॉइंट और ये है आपका B पॉइंट। इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के अक्रॉस कोई आपने ये पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स आपने लगाया हुआ प्लस माइनस वी। ये पॉइंट है आपका सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। देखिए, यहां से कोई करंट फ्लो होती है। ठीक है, ये करंट इस तरह से फ्लो होती है कि ये यहां पर आने के इधर डिवाइड होती है। जो करंट आपकी यहां पर आई वन आई, वो आई टू यहां पर आई। अब ये करंट ही आपकी यहां से फ्लो होती है और ये वाली करंट आपकी I2 यहां से फ्लो होती है। इट मींस ये जो I1 आ रही है उसका कोई पार्ट इधर नहीं आ रहा और I2 जो इधर आ रही है उसका कोई पार्ट इस गैलोमीटर से नहीं जा रहा। इसका मतलब गैलोमीटर में जो करंट है वो कितनी है, जीरो है। मींस देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैलोमीटर। गैलोमीटर में किसी भी तरह का कोई विक्षेपण नहीं है। तो इस समय ये जो आपको अरेंजमेंट दिखाया जा रहा है ये कहलाता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहां पर इस गैलोमीटर में संतुलित संतुलन की अवस्था में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इस गैलोमीटर हो या गैलोमीटर की जगह कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जुड़ा हो, उसका जुड़ा रहना बेकार है। उसका जुड़ा रहने से कोई मतलब ही नहीं, हम उसको जबरदस्ती जोड़ के रखते हैं। ठीक है, तो हम उसको जबरदस्ती जोड़ के रखते हैं, यानी कि उसको आप हटा भी सकते हैं। ठीक, तो ये R1, R2, R3, R4 के बीच में क्या संबंध होगा, देखिए। तो देखो, ये C बिंदु और जो D बिंदु है, इसका जो विभव होगा यानी कि पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो C बिंदु और D बिंदु का जो विभव है वो क्या है, यहां पर समान है। ठीक, अब हमें पता है जब भी दो बिंदुओं के विभव समान होता है उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। इट मींस यहां पर इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, इसका मतलब यहां क्या है, इस सी बिंदु और डी बिंदु का विभव समान है। जब डी बिंदु और सी बिंदु का विभव समान होता है तो ये भी एक कंडीशन होती है आपकी, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है। अब देखिए भाई, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की जो शर्त होगी वो क्या होगी, तो कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि
बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज की शर्त क्या होती है, ये शर्त समझ लो। ये बैलेंस है इस समय, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, ठीक, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, इसका मतलब R1 अपॉन R2 का अनुपात रेशियो इस R3 और R4 के अनुपात यानी कि रेशियो के बराबर होता है। ये बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन शर्त होती है। अब देखिए भाई, इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, R1 अपॉन R3, ये इधर आ गया 3, 2 उधर चला गया, तो R2 अपॉन R4। तो इसी शर्त को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, आइए बात समझना। तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है, और इसमें जिन दो बिंदुओं के मध्य बैटरी जोड़ी हुई है उसके लंबवत दिशा में जो दोनों बिंदु है सी और डी, उनका विभव समान होगा और उसमें गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक। चलो अब इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल करते हैं। देखो भाई, संतुलित वीट स्टोन ब्रिज पर आधारित प्रश्नों में देखा है, ये आपके R और ये 2R, ये भी R, ये 2R और ये दिया हुआ है 4R, और बीच में आपको दिया हुआ है ये प्रतिरोध 3R। अब आपको इस A बिंदु और B बिंदु के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो इसका मतलब इन दोनों बिंदुओं के मध्य आपने एक बैटरी जोड़ी हुई है, ठीक है। आप इन दोनों बिंदुओं के मध्य जब बैटरी जोड़ी हुई है तो आप चेक करेंगे कि यह संतुलन की अवस्था में है या नहीं है, तो आप सबसे पहले संतुलन की अवस्था चेक करेंगे, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 है या नहीं है। तो देखो, R अपॉन 2R की वैल्यू 2R अपॉन 4R के बराबर हो रही है, यहां 1/2, इधर 2 से 2, इधर भी क्या रहा 1/2, तो यह 1/2 इक्वल टू 1/2 हो रहा, आप देख रहे हैं बराबर आ रही है। इसका मतलब ये जो बीच में जुड़ा हुआ है सी बिंदु और डी बिंदु के मध्य, ये प्रतिरोध बेकार है, इसको आप हटा सकते हैं। तो आप यहां पर इस R और 2R, जैसे ये हटेगा तो ये R और ये हो गया 2R, और नीचे की तरफ क्या है, ये 2R और ये 4R, तो ये 2R और ये 4R, ये A बिंदु, ये B, ये C और ये D हो गया। अब यहां से कोई धारा जाती है, यहां से कोई धारा जाती है तो इसमें और इसमें समान धारा जाएगी, इन दोनों में समान धारा जाएगी, तो ये दोनों किसमें, श्रेणी क्रम में। तो R और 2R का जो तुल्य होगा वो कितना हो गया, 3R हो गया, हो गया 3R। 2R और 4R का तुल्य कितना होगा आपका, जुड़ जाएंगे तो ये 6R हो गया, ये A बिंदु, ये B बिंदु। तो R तुल्य जो होगा, R इक्विवेलेंट कितना होगा भाई, देखिए ये 3R मल्टीप्लाई बाय 6R अपॉन 3R प्लस 6R, तो ये हो गया 3R मल्टीप्लाई बाय 6R, और ये हो गया 3 और 6, 3 प्लस 6 9R, तो ये R से R कैंसिल, ये 3 ये 2, तो ये आंसर आ गया 2R, आई बात सुन। तो ये इस तरह से संतुलित वीट स्टोन ब्रिज को हम सोल्व करते हैं। चलो इस पे और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखिए ये 5 ओम, ये 10 ओम, ठीक है, ये आपके 15 ओम, और ये हो गया 30 ओम, और बीच में ये डाला हुआ है 20 ओम। तो इस ए बिंदु और बी बिंदु के मध्य आर इक्विवेलेंट निकालना है, आपको तुल्य निकालना है, ए व बी के मध्य निकालना है आर तुल्य। तो देखिए भाई, 5/10, 5/10 सॉल्यूशन देखें इसका, तो 5/10 यानी कि R1/R2 का अनुपात इस 15/30 के बराबर है क्या, 15/30 के बराबर है क्या, तो ये तो आपका 1/2, और ये भी क्या रहा 1/2, तो आ रहा 1:2, दोनों तरफ आ रहा है 1:2, यानी कि ये संतुलित वीट स्टोन ब्रिज हो रहा है। और जो संतुलित वीट स्टोन ब्रिज होगा तो इसको हटा देंगे, इसको हटाते हैं, 5 और 10 किस में आ गए, श्रेणी क्रम में आ गए, तो ये 5 और ये 10, और ये 15 और 30,
ये 15 और ये 30 ओम, 5 और 10 ये हो गए 15, 15 और 30 ये हो गए आपके 45, ये ए बिंदु ये बी बिंदु। अब ये दोनों किस में जुड़ गए, समांतर क्रम में, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 15 इंटू 45 अपॉन 15 प्लस 45, 15 इंटू 45 अपॉन 15 प्लस 45 60, 15 छके 60, तो ये 45 अपॉन 4, ये ओम जो है ये आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक, चलो इस पे और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखिए ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये एक रेजिस्टेंस, ये भी R, ये एक रेजिस्टेंस, ये भी R, और ये एक रेजिस्टेंस, ये भी R। अब आपको निकालना है इसका, ये A बिंदु है और ये B बिंदु है, तो इस A व B के मध्य R तुल्य निकालना, तो आपको निकालना है R इक्विवेलेंट। ठीक है, R इक्विवेलेंट अक्रॉस ए और बी निकालना है, यानी कि ए व बी के मध्य आपने क्या किया हुआ, एक बैटरी जोड़ी हुई। ठीक, आर इक्विवेलेंट निकालना, तो देखो भाई आप इस ए बिंदु को पकड़ के ये ऐसे पीछे की तरफ यहां रख देंगे, तो ये ए बिंदु यहां लिया, ये बिंदु यहां से यहां लिया। अब जैसे ए बिंदु यहां जाएगा तो ये रेजिस्टेंस कहां आ जाएगा, ये रेजिस्टेंस है, ये बाहर की तरफ आ जाएगा रेजिस्टेंस, तो ये हटा दो यहां से। अब जैसे आपने उठा के इसको ए बिंदु को यहां रखा, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो यहां पे आ जाएगा, तो ये आ गया, तो इसको भी हटा दो आप। और ये अब ए बिंदु यहां है, बी बिंदु यहां है, तो ये वाला भी हटा के आप इसको यहां बाहर से इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, तो ये रेजिस्टेंस आर हो गया। तो आपके जो अंदर वाले रेजिस्टेंस हैं ये सब आप हटा दो, ये तीनों रेजिस्टेंस है ये हटा दिए मैंने, सिर्फ क्या बचे, ये रेजिस्टेंस जो है उठ के कहां चले गए, बाहर चले गए। अब आप ए व बी के मध्य देखो, तो आर अपॉन आर इक्वल टू आर अपॉन आर, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो रहा है संतुलित, तो ये बेकार हो गया, इसको भी हटा दो। तो यहां पर ये क्या हो गया, ये आर और ये आर, तो ये इस तरह से होगा, देखो इसका फिगर ये बनेगा, ये ए बिंदु ये बी बिंदु, ये एक आर है ए व बी के मध्य, ये एक आर हो गया ये वाला। अब ये वाला हटाते ही ये आर और ये आर श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, तो ये इन दोनों की जगह क्या करेंगे, टू आर जोड़ देंगे, ये आर हट गया। अब ये वाला आर और ये वाला आर ये भी श्रेणी क्रम में कितना हो गया, ये हो गया 2R, हो गया आर टू आर टू आर, ये तीनों समांतर क्रम में, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन 2R, यहां पर 2R एलसीएम लिया, तो यहां पे 2 प्लस 1 प्लस 1, तो 4 अपॉन 2R, ये से कैंसिल हो गया, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी आपकी, R बाई 2, उल्टा कर देंगे R बाई 2। तो इस तरह से ये क्या होगा आपका, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज क्या होता है, मीटर सेतु, मीटर ब्रिज, मीटर सेतु, मीटर सेतु। देखिए मीटर ब्रिज जो है ये आपके व्हीटस्टोन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट पर आधारित है, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है, यानी कि आधारित है। ठीक है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित है। अब क्या होता है देखो, ये इससे क्या करते हैं आप, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो इसके द्वारा, इससे अननोन यानी कि अज्ञात, अननोन रेजिस्टेंस यानी कि अननोन अज्ञात प्रतिरोध, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करते हैं, यानी कि फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझे,
ये आपके कुछ कॉपर स्ट्रिप्स हैं, ये कॉपर स्ट्रिप है यानी कि तांबे की पत्तियां हैं, ये एल शेप है, ये बीच में एक स्ट्रेट कॉपर स्ट्रिप है, तांबे की पत्ती है, ये कॉपर स्ट्रिप है। यहां पर इस पॉइंट ए और ये पॉइंट बी के बीच में एक तार कनेक्ट होता है जिसकी लंबाई होती है 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। अब यहां पर इस बिंदु और इस बिंदु के मध्य आपने क्या किया हुआ, एक प्रतिरोध जोड़ा हुआ है जो कि आपका पी नाम का प्रतिरोध है, और एक प्रतिरोध है ये यहां पर इसके बीच पे जिसका क्यू नाम का प्रतिरोध है जो कि आपका अज्ञात है यानी कि अननोन है, अज्ञात अननोन, यही आपको ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है आपको। तो यहां पर क्या होता है, इसके सेंटर से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है और ये गैल्वेनोमीटर जो है एक जोकी से इसके ऊपर स्लाइड करवाते हैं, आप इसके ऊपर स्लाइड कराते हैं, आप जब इसके ऊपर स्लाइड कराते हैं ये पूरा का पूरा एक एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड होता है। आप जब इस पर स्लाइड कराते हैं तो किसी स्थिति पे जब इस सिरे से ए सिरे से ये एल लंबाई पर होता है, एल लंबाई पर होता है तो इसमें विक्षेपण क्या होता है, शून्य होता है, इसमें आई की वैल्यू शून्य होती है यानी कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेपण नहीं होता है। तो इस लेंथ को बोलते हैं हम नल डिफ्लेक्शन लेंथ। तो एल इज कॉल नल डिफ्लेक्शन लेंथ यानी कि शून्य विक्षेपण पर लंबाई, शून्य विक्षेपण पर लंबाई वो कितनी है आपकी एल है। तो ये कितनी होगी आपकी 100 माइनस एल होगी। अब हमें पता है जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, हमें पता है आर इज प्रोपोर्शनल एल। तो अगर इस वाले का प्रतिरोध आपका R1 है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसकी लेंथ L के प्रोपोर्शनल होगा, और इस वाले का प्रतिरोध R2 है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, 100 माइनस L जो रिमेनिंग लेंथ है उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो भाई इसमें इस समय कोई धारा नहीं प्रवाहित हो रही, तो इसका मतलब ये क्या है आपका संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह व्यवहार कर रहा है, मीन्स ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह व्यवहार कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा, देखो भाई बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, दिस अपॉन दिस यानी कि ये रेजिस्टेंस पी अपॉन क्यू इक्वल टू ये वाला रेजिस्टेंस क्या है आर वन, यहां से यहां तक ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस है आर वन और ये वाला जो रेजिस्टेंस है इस ये है आर टू। अब आर वन और आर टू का रेशियो किसके इक्वल होगा, एल अपॉन हंड्रेड माइनस एल के इक्वल होगा। तो आप यहां पर पी अपॉन क्यू इक्वल टू एल अपॉन हंड्रेड माइनस एल हो जाएगा। अब आपको क्यू फाइंड आउट करना है तो क्यू की वैल्यू रीअरेंज करें तो ये हो गया 100 माइनस एल, क्योंकि वैल्यू रीअरेंज करके फाइंड आउट करें तो 100 माइनस एल अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय पी, पी जो है उसकी वैल्यू आपको पता होगी। तो ये आप इससे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। आपको पी की वैल्यू, जो पी रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू दी हुई है 100, आपको अननोन रेजिस्टेंस क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको जो बैलेंसिंग लेंथ है एल वो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो जो रिमेनिंग है वो 100 माइनस एल जो होगी वो कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट से आप देखें तो पी अपॉन क्यू इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल होता, तो क्यू इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय पी। तो क्यू की वैल्यू 100 माइनस एल कितना हो गया, अगर एल की वैल्यू 40 होगी तो 100 माइनस एल यानी कि रिमेनिंग लेंथ कितनी होगी, 60 होगी। तो ये 60, एल की वैल्यू 40 और रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू है 100, ये इससे कैंसिल। तो ये आपका हो गया 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 50, तो 150 ओम हो जाए। तो ये आपने देखा किस तरह से हमने जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मीटर ब्रिज में हमने
जो है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट की। तो भाई आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, एक बार उसको थोड़ा सा ओवरव्यू ब्रीफ कर दें। सबसे पहले हमने बात करी गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ठीक है, फिर अमीटर और वोल्टमीटर क्या करते हैं। अमीटर जो है उसका फंक्शनिंग क्या होती है, वोल्टमीटर उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, वो किस तरह से कार्य करते हैं, उसको सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, इसके बारे में बात की। आपको अगर गैल्वेनोमीटर दिया है उससे अमीटर का कन्वर्जन कैसे हुआ, गैल्वेनोमीटर है उससे वोल्टमीटर का कन्वर्जन कैसे होगा, इसके बारे में बात की। इसके बाद हमने व्हीटस्टोन ब्रिज देखा। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने जो देखा यहाँ पर वो संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात की, और जो संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है उसकी कंडीशन क्या होती है उसके बारे में बात की, और संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज पर जो आधारित इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है मीटर ब्रिज उसके कॉन्सेप्ट को समझा, और इसके द्वारा इससे जो हम अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करती उसके बारे में बात की। तो भाई आज का लेक्चर हम यहीं पे ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे कवर करेंगे। थैंक यू।